विनोदवन और बुढ़िया माई मंदिर के पास बंदरों का कौतूहल बढ़ गया है। लॉकडाउन के दौरान बंदरों को भोजन देने के लिए तमाम समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, जिसके तहत रविवार को सूरजकुंड जीर्णोद्धार समिति के सदस्यों ने भी विनोदवन पहुंचकर बंदरों को केला एवं अन्य फल खिलाया, जिससे उन्हें भूख से राहत मिल सके। गौरतलब है कि विनोदवन और कुसमी जंगल में काफ़ी संख्या में बंदर रहते हैं। लॉकडाउन के पहले कोई भी व्यक्ति या श्रद्धालु जब मंदिर जाते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जहां मंदिरों में ताले लग गए हैं, वहीं लोगों का आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे बंदरों को खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जिसको देखते हुए उत्साही युवकों ने विनोदवन में जाकर बंदरों को फल एवं केला खिलाया, जिससे उन्हें भूख से राहत मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सूरजकुंड जीर्णोद्धार समिति के उपाध्यक्ष अमरदीप गुप्ता ने कहा, अमरदीप सूरजकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति के उपाध्यक्ष हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हम लोग पहले गरीबों को भोजन करा रहे थे, उसके बाद फिर सूचना मिली कि उधर मोहद्दीपुर साइड में कुछ बंदर जो बुढ़िया माता मंदिर के आसपास रहते थे वो शहर की तरफ बढ़ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, तो वहाँ के कुछ नागरिकों से पता चला, तो हम लोग रोज़ाना चना ब्रेड केला खीरा ले जाके और बुढ़िया माता मंदिर कुसमी जंगल विनोदवन सब जगह लोगों को वितरित कर रहे हैं बंदरों में, और रास्ते में जितनी भी गांव माताएं और कुत्ता मिलते हैं उन सबों को भी हम लोग भोजन कराते रहते हैं। कहाँ से कराते हैं भोजन? हम लोग छोटे छोटे अपने जो कार्यकर्ता हैं उन सबों से भी सहयोग और कुछ शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं उनके भी सहयोग से हम लोग ये करा रहे हैं।